हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारे आज के क्विज का टॉपिक है भारत रत्न अवार्ड्स। हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन भारत रत्न अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं। इस साल भी डिक्लेयर किए गए, तो करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए हमें इस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? What is the highest civilian award of India? Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan या Bharat Ratna? The correct answer is Bharat Ratna. Bharat Ratna is the highest civilian award of India. Bharat Ratna को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में कब स्थापित किया गया था? When was Bharat Ratna instituted as the highest civilian award of India? 1951, 1952, 1953 or 1954? The correct answer is 1954. 2nd January 1954 को स्थापित यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेद के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। Instituted on 2nd January 1954, the award is conferred in recognition of exceptional service performance of the highest order, without distinction of race, occupation, position or sex. पुरस्कार विजेताओं को भारत रत्न कौन प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत सरकार के गृह मंत्री? Who awards Bharat Ratna to the awardees? President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of Supreme Court और Home Minister of Government of India? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं को भारत रत्न प्रदान करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, भारत के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? Who recommends the names of Bharat Ratna awardees to the president? Members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha, Prime Minister of India or Chief Justice of Supreme Court? The correct answer is Prime Minister of India. Bharat ke Pradhan Mantri Puraskar Vijetao ke naam ki sifarish Rashtrapati ko karte hain. एक वर्ष में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? How many people can be awarded Bharat Ratna in a year? एक, दो, तीन या चार? The correct answer is three. Generally, maximum तीन लोगों को एक साल में भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन एक वर्ष था जब चार लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो ईयर कौन सा था? सो द क्वेश्चन इज, किस वर्ष सामान्य तीन के स्थान पर चार भारत रत्न पुरस्कार दिए गए? इन विच ईयर 4 भारत रत्न अवार्ड्स वर गिवन इंस्टेड ऑफ यूजुअल 3? 1995, 1997, 1999 और 2001? The correct answer is 1999 में चार भारत रत्न पुरस्कार दिए गए। भारत रत्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, प्राप्तकर्ता को पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक प्राप्त होता है, प्राप्तकर्ता को 5 लाख रुपए मिलते हैं और भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है।
Which of the following statements are true for Bharat Ratna? The recipient receives a certificate signed by the president. Recipient receives a people leaf shaped medallion. Recipient receives 5 lakh rupees. Or Bharat Ratna is given to Indian citizens only. Which of the following statements are true? The statements that are true are the recipient receives a certificate signed by the president and the recipient receives a people leaf shaped medallion. पार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और पत्ते के पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक प्राप्त होता है। इस अवार्ड्स के साथ कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, कोई रुपए नहीं मिलते और ये अवार्ड भारत रत्न सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं, इंडिया जिनको सोचे कि इन्होंने काफ़ी हेल्प करी या दे आर यू नो एलिजिबल to get this award, वो अगर भारतीय नागरिक ना भी हो तो भी उन्हें दिया जा सकता है। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? Who was the first recipient of भारत रत्न? सी गोपालाचारी, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन या मदन मोहन मालवीय? The correct answer is the top three. C. Rajagopalachari, Sarvepalli Radhakrishnan और C. V. Raman को पहले जब इंट्रोड्यूस किया था भारत रत्न 1954 में, तब इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था। C. Gopalachari कौन थे? He was the last Governor General of the Dominion of India and the former Chief Minister of Tamil Nadu. Sarvepalli Radhakrishnan, second president and the first vice president of India, or C.V. Raman, Nobel Prize laureate and physicist of India. तो इन्हें सबसे पहले भारत रत्न से भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? Who was the first to receive भारत रत्न posthumously? लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय या अरुणा आसाफ अली? द करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। देर आर 15 अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स दैट हैव बीन गिवन पोस्ट्यूमसली। उनकी लिस्ट यहाँ पे है और ये लिस्ट सीक्वेंस में है। तो पहले लाल बहादुर शास्त्री, श्री के कामराज, आचार्य विनोबा भावे, श्री मरुदूर गोपालन रामचंद्रन एम जी रामचंद्रन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्रीमती अरुणा आसफ अली, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकप्रिय गोपनाथ बोरडोलोई, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री नानाजी देशमुख, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका और पंद्रहवें अभी 2024 में जिनको अवार्ड मिलने वाला है, श्री कर्पूरी ठाकुर। तो इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन 15 तक कौन भारत रत्न अवार्डीज रहे हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और इस बार भी 2024 में जो हमारे भारत रत्न अवार्डी हैं श्री कर्पूरी ठाकुर, उनको भी पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड दिया जा रहा है। भारत रत्न पाने वाले प्राकृतिक नागरिक कौन है? हु इज द नेचुरलाइज्ड सिटीजन रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न? अदनान सामी, मदर टेरेसा, आवाबाई बोमनजी वाडिया या जेडी टाइटलर? द करेक्ट आंसर इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 में 1980 में भारत रत्न अवार्ड किया गया था। नाउ आप में से कुछ जानना चाह सकते हैं कि नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक नागरिक का मतलब क्या होता है।
तो वो लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते और कम से कम 12 वर्षों तक देश में रहे और उनकी जो पिछली राष्ट्रीयता थी वो त्याग दें, तो वो प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक बन सकते हैं। फॉरेनर्स मे बिकम इंडियन सिटीजन्स बाय नेचुरलाइजेशन आफ्टर रिजाइडिंग इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स एंड रेनाउंसिंग एनी प्रीवियस नेशनैलिटीज। मदर टेरेसा कौन है? मदर टेरेसा एल्बेनियन इंडियन कैथोलिक नन है और ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी सारी मिशनरीज भी चलाई है। शी इज़ द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 18 साल की उम्र में वो आयरलैंड चली गई और उसके बाद वो इंडिया में रही और काफ़ी समय उन्होंने इंडिया में ही गुजारा। तो 1980 में मदर टेरेसा को उस टाइम के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के हाथ से भारत रत्न दिया जा रहा है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन है? हु आर द नॉन इंडियंस टू हैव रिसीव भारत रत्न? अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही हमने देखा कि भारत रत्न सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही नहीं बट नॉन इंडियंस के लिए भी दिया जा सकता है। सो द क्वेश्चन इज हु आर दोज नॉन इंडियंस हु हैव रिसीव भारत रत्न? योर ऑप्शंस आर अब्दुल गफार खान, नेल्सन मंडेला, योंग लियू या शार्लेट शॉपिन। द करेक्ट आंसर इज अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। अब्दुल गफार खान पाकिस्तान से और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से हैं। 1987 में पाकिस्तान के अब्दुल गफार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। व्यापक रूप से फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने वाले स्वतंत्रता कार्यकर्ता और पश्तून नेता अब्दुल गफार खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे। 1987 में अब्दुल गफार खान फ्रॉम पाकिस्तान वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। ही वॉज वाइडली नोन एज फ्रंटियर गांधी। इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट पश्तून लीडर खान वॉज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। उन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया और 1990 में नेल्सन मंडेला फ्रॉम साउथ अफ्रीका उन्हें भारत रत्न दिया गया। उन्होंने रंग भेद विरोधी आंदोलन चलाए, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। मंडेला को भी दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता था। एंड मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधियन फिलोसफी। तो 1990 में साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को और 1987 में अब्दुल गफार खान फ्रॉम पाकिस्तान इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है एंड दे आर बोथ नॉन इंडियंस। बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि ये क्विज इंपॉर्टेंट है या यूजफुल है और आपने कुछ सीखा, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पाने वाला खिलाड़ी कौन है? हु इज द स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव रिसीव भारत रत्न? मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या विश्वनाथन आनंद। द करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। 2014 में उन्हें भारत रत्न दिया गया एंड नॉट ओनली द स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव रिसीव भारत रत्न बट ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न। 40 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 40 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? द ऑप्शन आर MS सुब्बलक्ष्मी, अरुणा आसाफ अली, मदर टेरेसा या इंदिरा गांधी। द करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी। यहाँ पे लिस्टेड सभी महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। उनको किस साल में भारत रत्न दिया गया वो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा आसफ अली को 1997 में और MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में। तो जैसा आप देख सकते हैं, इससे 1971 में इंदिरा गांधी को
को भारत रत्न दी गया, तो वो हुई फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। यहाँ पे लिस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट, वुमेन रेसिपियंट्स ऑफ भारत रत्न, इंदिरा गांधी इन 1971, मदर टेरेसा इन 1980, अरुणा आसफ अली को पोस्ट ह्यूमसली मरणोपरांत ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1997 में, एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में, लता मंगेशकर को भी अवार्ड दिया गया इन 2001। उन सब की भारत रत्न अवार्ड रिसीव करते हुए यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। किस भारतीय को भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिले? व्हाट इज निशाने पाकिस्तान? निशाने पाकिस्तान इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वैसे ही निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो कौन है जिन्हें दोनों भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड्स मिले हैं? द ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्ला खान या मोरारजी देसाई। द करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? रविशंकर, बिस्मिल्ला खान, भीमसेन जोशी या भूपेन हजारिका। द करेक्ट आंसर इज रविशंकर। ही वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। एक्चुअली ये चार ऑप्शन जो है इन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और उसके ईयर्स किन किन सालों में, किन किस वर्ष में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो भी मैंने लिस्ट किए हैं। तो आप ऐसे जैसे देख सकते हैं, रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न मिला था, बिस्मिल्ला खान जी को 2001 में, भीमसेन जोशी जी को 2009 में और भूपेन हजारिका जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। सो द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इज रविशंकर जी। किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन कॉन्फर्ड विद भारत रत्न? धीरू भाई अंबानी, जे आर डी टाटा, राहुल बजाज या आदित्य विक्रम बिरला। द करेक्ट आंसर इज जे आर डी टाटा। जे आर डी टाटा को 1992 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया था? फॉर होम वॉज भारत रत्न कॉन्फर्ड बट वॉज लेटर रिवोक्ड। योर ऑप्शन आर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पीवी नरसिम्ह राव या कपिल देव। द करेक्ट आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसा क्यों हुआ कि भारत रत्न पहले कॉन्फर कर दिया गया या प्रदान कर दिया गया लेकिन बाद में उसको रिवोक कर दिया गया या रद्द कर दिया गया, ऐसा हुआ? तो 23 जनवरी 1992, 23 जनवरी 1992 को एक प्रेस रिलीज हुआ जिसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की तरफ से कि इस बार सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत अवार्ड दिया जाएगा भारत रत्न। तब एक PIL जारी की गई या एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका फाइल की गई, और उसमें आर्ग्यू किया गया कि ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि द गवर्नमेंट हैड नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड हिज डेथ ऑन 18 अगस्त 1945, क्योंकि सरकार ने 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था, तो उनको पोस्टह्यूमसली अवार्ड कैसे दिया जा सकता है? और जो उनकी फैमिली थी, उनके परिवार के सदस्यों ने भी पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी दे एक्सप्रेस्ड देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द अवार्ड। तो इसलिए ये एक इंसिडेंट हुई थी जिसमें भारत रत्न डिक्लेयर कर दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस को मिलने वाला है, लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया।
टॉकिंग अबाउट भारत रत्न 2024, ये श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मिल रहा है मरणोपरांत. इट्स अ पोस्टह्यूमस अवार्ड विच इज बीइंग गिवन टू श्री कर्पूरी ठाकुर. कौन है ये? ये थे इंडियन पॉलिटिशियन जो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में दो कार्यकाल तक कार्यरत रहे. ही सर्व टू टर्म्स एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और उन्हें जननायक भी जाना जाता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जननायक. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्विज. आई होप यू फाउंड यूजफुल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन.